आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि ऐसा फ्रूट जो कि कई सारे सिमिलर फ्रूट्स का बना हुआ है, जो कि पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बने हैं एक फ्लावर के और इकट्ठे मैच्योर होते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए ऑप्शन ए एग्रीगेट फ्रूट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमें पता ही है कि फ्रूट एंजियोस्पर्म्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कार्पल जो होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से हम कार्पल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कार्पल का जो नीचे का हिस्सा है, बेसल बल्ज्ड पार्ट है जो इसका, इसे हम ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम के कुशन लाइक फ्लैटेंड टिश्यू में ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो हम देखेंगे जब एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस समय पर फर्टिलाइजेशन के बाद में यही ओवरी राइप होकर फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जबकि जो इसके अंदर ओव्यूल्स थे वो सीड्स बना देते हैं। अब ऐसे में पूछा हमसे क्या जा रहा है, ये तो हमने देख लिया कि फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, लेकिन कह रहे हैं ऐसा फ्रूट जो कि कई सारे सिमिलर फ्रूट्स का बना हुआ है, जो कि एक फ्लावर की पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बने हैं। तो मतलब बात यहाँ पर ऐसे फ्लावर की हो रही है जिसमें एक सिंगल कार्पल नहीं लेकिन बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट हैं, और एपोकार्पस से हमारा मतलब है कि ये आपस में फ्यूज नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ये फ्री है। तो इस तरह की पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी जिस फ्लावर में है वो एग्रीगेट फ्रूट बनाता है, और इसमें जो इंडिविजुअल कार्पल होते हैं या पिस्टल होते हैं ये फ्रूटलेट्स नाम के छोटे छोटे फ्रूट्स बनाते हैं जो एज अ होल कलेक्टिवली पूरा फ्रूट फॉर्म करते हैं, जिसे एग्रीगेट फ्रूट हम कह सकते हैं। इस तरह के एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल हमारे पास रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट्स हो जाते हैं, क्योंकि बाकी अगर ऑप्शंस देखें यहाँ पर हमें कॉम्पोजिट फ्रूट दिया हुआ है। कॉम्पोजिट फ्रूट में हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही सिमिलर देखेंगे, लेकिन इसमें ये जो इसके यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, ये फ्रूटलेट्स नहीं होते, ये इंडिविजुअल फ्रूट्स होते हैं। ये जो हमारा कॉम्पोजिट फ्रूट है ये एक सिंगल फ्लावर नहीं बल्कि एक इनफ्लोरेसेंस से बना हुआ है। यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट में हमने क्या देखा था कि एक सिंगल फ्लावर है जिसमें कई सारे कार्पल हैं, लेकिन कॉम्पोजिट फ्रूट के केस में एक इनफ्लोरेसेंस है जिसमें कई सारे फ्लावर्स फ्रूट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जब वो मैच्योर हो रहे हैं तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कॉम्पोजिट कह रहे हैं, जैसा कि पाइनएप्पल में होता है। फिर ड्राई फ्रूट हमें दिया हुआ है, इसका यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ड्राई का मतलब हो गया जो फ्लैशी नहीं है, सक्यूलेंट नहीं है, और साइजोकार्पिक फ्रूट भी अगेन हमारा एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन इस तरह के सिमिलर फ्रूट से जो बना हुआ होगा एक पॉलीकार्पलरी टाइप के फ्लावर से, उसे एग्रीगेट फ्रूट हम कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।